ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। राहुल भैया, अरे सॉरी, कोई नहीं, आ जाओ, कोई नहीं, और शुरू करो जी। तो लाइन में पीछे से लाना, फिर चेहरा चमकाओ, और नए नए ऐसी किए, नए नए ऐसी किए, चेहरा चमकाओ, ये नहीं बुला लिया, नहीं बुला लिया। सतिंदर भाई तो गजब आदमी, अपने पुराने मित्र हैं। संजय भाई मेरे को करा देना, में इसने बताया कि अपने किसी साथी से मिलने जा रहा था और वहां से मिलके उसको उसके बाद अमन विहार के इलाके में जाना था। सर एक चीज जो पता चला, तिहाड़ जेल में था तब भी इसने वहाँ पे किसी की पिटाई कर दी थी, किसी बड़े नेता की, डीपी यादव की पिटाई की थी, कुछ ऐसा भी सर कुछ पता चला है? ये उसने मारा था इस पर हम और पूछताछ कर लेते हैं, हमारी नॉलेज में नहीं आई है और हो सकता हुआ हो, बट अभी इस चीज को मैं कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा। सर आनंद पर्वत सर बहुत है, हाँ आनंद पर्वत में काफी, ठीक है, और कुछ मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, अमन विहार, अम्बेडकर नगर, उस इलाके में भी ये ऑपरेट करता है, उस इलाके के बीसीपी के गैंग मेंबर। सर वो जो आप बता रहे हैं दशक वाला सब गैंग, जितने बीसीए को मिला के गैंग ऑपरेट करके स्नैचिंग, ये थोड़ा दोबारा बता दीजिए। इसके राजू एंड राजू हकला एलियस राजू खंडेलवाल, एक दशक वाला, ये 113 मुकदमों में अभी तक जो हमारे पास डिटेल है उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, और ये पिछले लगभग 97 से लेकर 2010-12 तक एक दशक से भी ज्यादा पीरियड तक इलाके के क्रिमिनल्स और अदर बीसीज के साथ मिलकर एक गैंग चलाता था और इसने स्पेट ऑफ रोबरी, स्नैचिंग और उस समय मर्डर और एक्सटॉर्शन की बहुत सारी वारदात की थी। नहीं, गैंग का तो नाम भी बनाया होगा इसने कोई, सर गैंग किस नाम से बनाया होगा? राजू हकला, ठीक है सर। मोबाइल आईजीआईएस क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। राजू हकला जो बीसी है आनंद पर्वत थाने का, ये पहले अमन विहार थाने का बीसी भी रह चुका है और इसका एक रेजिडेंस सागरपुर में है और एक आनंद पर्वत के इलाके में है। ये मई में जेल से आया था, इस पर लगभग 113 मुकदमे हैं और ये एक हिस्ट्री सीटर है आनंद पर्वत थाने का। हमारी टीम के कांस्टेबल धर्मराज को की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि राजू एलियस हकला ये विज्वासन फार्म हाउस की तरफ किसी वारदात के लिए जाएगा, उस पर एक्ट करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम के इंस्पेक्टर रजपाल और एसआई संजय, एसआई हंसराज, एएसआई सतेंद्र और अदर स्टाफ ने वहां पे एक ट्रैप लगाया। उस ट्रैप के दौरान जब इसकी गाड़ी को रोका गया, वो एक स्विफ्ट कार थी, तो इसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, उसमें हमारे स्टाफ ने एक हवाई फायर किया और एक त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको काबू कर लिया। राजू अगला के पजेशन से एक गाड़ी मिली है, स्विफ्ट कार, एक फायर बुलेट और एक लाइव कार्ट्रेज और एक पिस्टल इससे बरामद हुआ है। ये क्राइम ब्रांच के एक केस एफआईआर नंबर 38/19 जो कि 20 फरवरी को हुआ था, उसमें एक सनी डोगरा नाम के बीसी को अरेस्ट किया था, उससे जो वेपन रिकवर हुआ था उसका सोर्स भी यही था। राजू अगला 94 से लगातार क्राइम करता आ रहा है
इसने 94, 97, 2003, 2004, 2010 में कई बड़ी बड़ी वारदातें की हैं, और ये वारदातें करने के लिए इसने इलाके के जो डीसी थे, जो अभी भी कुछ लोग उनमें से हैं, जैसे सुनील सांसी, राम सिंह आनंद पर्वत का डीसी है, राजू एलियस कटवा, राकेश एलियस पिंकी, राजू एलियस कैंपस, अमरजीत सोमदर, राजू टोपी, पप्पू काना, ये बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं उस इलाके के। इन सब का एक गैंग बनाया और लगातार एक लगभग एक दशक तक स्पेट ऑफ स्नैचिंग, रॉबरीज और मर्डर एक्सट्रोशन किए हैं। आजकल ये जेल से आने के बाद अब इसका इतना नाम हो चुका है, तो ये इलाके के सट्टेवा का काम करने वाले बूटलेगर्स और अदर पैटी जो ऑफेंसेस करते हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उन सबसे एक्सट्रोशन मनी लेता सर। बिजवासा